नायब स्पीकर, जैसे कि कल इस ऐवान में मैंने भी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला जात की रोशनी में जो काबीना का कल के इजलास का फैसला था वो आपके सामने रखा, और फिर वज़ीर ख़जाना साहब ने भी इस ऐवान की राय मांगी थी, उस पर कल भी गुफ्तगू हुई और आज भी इजहार ख्याल किया गया है। तो जनाब स्पीकर, मेरी ये इस्तदा होगी कि हाउस के सामने ये क्वेश्चन पुट किया जाए कि आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो वफाकी हुकूमत को फिर हदायत की है कि वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात के इनेकाद के लिए 21 अरब रुपए की जो अखराजात की मद में जो सप्लीमेंट्री ग्रांट है वो जारी की जाए, और उसके लिए 27 अप्रैल यानी कि आज की मियाद मुकर्रर की गई थी। तो वफाकी हुकूमत ने काबीना के इजलास में ये फैसला किया था कि क्योंकि ये ऐवान दो दफ़ा इस बारे में अपनी राय का इजहार कर चुका है, पहले बिल लाया गया था इसको चार्ज एक्सपेंस के तौर पे नाफिज करने के लिए, वो बिल पास नहीं किया इस ऐवान ने, और फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए इस्तदा की गई थी वो भी इस ऐवान ने मंजूर नहीं की। तो वफाकी काबीना की राय में इस ऐवान की राय मुकदम है क्योंकि कोई भी खर्च जो है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से वो मशरूत है इस मौजूदा ऐवान की इजाज़त से। तो नज़र सानी के हवाले से राय ले ली जाए कि अगर ये ऐवान आया ये ऐवान इजाज़त देता है कि वफाकी हुकूमत 21 अरब रुपए की जो ग्रांट की फराहमी के लिए बिल इस हाउस में लाए या अदरवाइज, जी दोनों सूरतों में। तो इस हवाले से आपसे इस्तदा होगी कि हाउस की सेंस ले ली जाए। लॉ मिनिस्टर, आप इसको प्रॉपर मूव करें। सर मोशन एज ए मोशन। जी सर, मैं आई विश टू मूव। जी मैं बल्कि आसान जुबान में कर देता कि मैं ऐवान के सामने रखता हूँ कि अदालत उज़्मा के हुक्म जारिया 19 अप्रैल 2023 की रोशनी में और वफाकी काबीना के किए गए फैसले की रोशनी में, क्या ये ऐवान वफाकी हुकूमत को इजाज़त देता है कि वो 21 अरब रुपए के फंड्स पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के इंतखाबात के लिए जारी करने के लिए इस ऐवान में बिल पेश करे। जी Now I put the motion to the House. The question is that the motion as moved by the Minister for Law and Justice be adopted. All those in favor of this motion may say aye.